सभी VLEs को मेरा नमस्कार। मैं शशांक मंगल CC उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं। आज की मुलाकात में हम पी रामल हाउसिंग फाइनेंस, जो एक नई सर्विस हमारे CC लोन बाजार पोर्टल पे ऐड हुई है बहुत हाल ही में, उसके बारे में इसका डिस्कशन करेंगे कि पी रामल से कौन कौन से सिटीजन्स को हम आसानी से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम कौन कौन सी सेवाएं मुहैया करा सकते हैं पी रामल सर्विस से। और इसी के साथ हमारे साथ पी रामल कंपनी से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से हमारे साथ अभिषेक राजपूत सर भी ऐड हैं, जो कि हमारे पी रामल में हाउसिंग फाइनेंस में AVP हैं सर बाय डेजिग्नेशन। और हमारे साथ शारिक अब्बास सर भी ऐड हैं, जो कि ज्योग्राफिक हेड हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। और हम तीन लोग आपको पूरी जानकारी मुहैया करवाएंगे कि कैसे इस पी रामल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जरिए हम अपने आसपास के जितने भी VLE भाई बहन हैं उनको, उनके जरिए आम नागरिकों को आसानी से हाउसिंग फाइनेंस और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की सुविधा मुहैया करा सकें। तो अभिषेक सर और शारिक सर, मैं आपको स्वागत करता हूँ आज की मुलाकात के संस्करण में। तो सर, मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू करें और आगे के बारे में हमारे VLE भाई बहनों को इसके बारे में अच्छे से बताएं सर। अभिषेक सर और शारिक सर, मैं आपको स्वागत करता हूँ। हेलो, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैं अपना थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। ऑलरेडी शशांक जी ने इंट्रो एक दे दिया है। तो मैं अभिषेक राजपूत, मैं पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस में एम्प्लॉय हूँ। एंड मेरा जो ऑफिस है वो मैं हेड ऑफिस बैठता हूँ मुंबई में। सारिक जी हमारे UP के जियो हेड है। जैसे आपके यहाँ पे स्टेट हेड का एक पोजीशन है, वैसे ही हमारे यहाँ पे जियो हेड का एक पोजीशन है, जिसको हम जियोग्राफी हेड बोलते हैं। तो वो सारिक अब्बास जी हैं। तो इनके अंडर पूरा सेल्स टीम आता है। यूपी का जो ब्रांचेस है हमारे यूपी में, अराउंड कुछ हमारे 34-35 ब्रांचेस अभी एक्टिव ब्रांचेस हैं, जिसमें कुछ ब्रांचेस अभी नए ऐड हुए हैं, जैसे इटावा नया ऐड हुआ है, बस्ती नया ऐड हुआ है, देवरिया नया ऐड हुआ है। तो सारिक हमारे यूपी के सभी ब्रांचेस के आप एक तरह से हेड बोल सकते हो, बिकॉज वो सारे ब्रांचेस उनके अंडर आते हैं। फिर पूरा एक सेल्स टीम का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे जियो हेड आते हैं, जियो हेड के रिपोर्टिंग में क्लस्टर मैनेजर्स आते हैं, क्लस्टर मैनेजर के रिपोर्टिंग में सेल्स मैनेजर्स आते हैं, सेल्स मैनेजर के रिपोर्टिंग में रिलेशनशिप मैनेजर्स आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक तरह से, अगर मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दूं तो। ये शारिक का एक तरह से इंट्रो हो गया कि शारिक का, और ये लखनऊ ऑफिस बैठते हैं गोमती नगर में। लखनऊ में हमारे एक्चुअली तीन ऑफिस हैं। सो गोमती नगर जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे शारिक का सिटिंग है। तो ये हो गया मेरे तरफ से एक जस्ट ब्रीफ इंट्रो। आई थिंक शारिक कॉल में से ड्रॉप हो गया। शशांक, एक बार आप बात कर लेना, शशांक देख लेना अगर वो ऐड हो सकते हैं। तो आ गया सारिक। सारे VLE जो भी हैं यूपी के हैं, तो आप अपना इंट्रो भी दे दो, और हम क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, कितने ब्रांचेस हैं, वो थोड़ा आप ज्यादा डिटेल में बता सकते हो तो थोड़ा बता दो इन लोगों को। तो गुड आफ्टरनून सब लोग, गुड इवनिंग ही हो गया। तो भाई जो है हम लोग जो है लखनऊ से, मैं लखनऊ में, मेरा नाम शारिक है, मैं जो है पैदा और पला बड़ा में देहरादून में। 2017 में मैं जो है यहाँ लखनऊ में आया। पिरामल में मैं 17-18 साल से हूँ। हम लोग जो है पिरामल में 17 साल से हूँ, और हम लोग जो है हाउसिंग लोन करते हैं। 2017 से हम लोग, मैं यहाँ लखनऊ में हूँ। तो अभी जो हमारा यूपी में मोर देन 35 लाइव लोकेशंस हैं, और भी लोकेशंस आ रही है। हमारा फोटे ये है कि मतलब हमारी विशेषता ये है कि हम लोग जो है वो ये हाउसिंग लोन तो करते हैं, मगर हाउसिंग लोन जैसे
बैंक्स में बहुत सारे लोन्स ऐसे होते हैं जिसको वो लोग नहीं कर पाते, और वहाँ वाला हर जगह वो फंडिंग नहीं करते, और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जिसको हमारा जो कस्टमर है, जो एक छोटे शहर का कस्टमर है, छोटी सी दुकान चलाता है, या एक छोटे शहर का कस्टमर है, वो घर बनाना चाहता है, उसके पास कोई भी जरिया नहीं है कि वो कहाँ से कैसे करे क्या करे, तो हम उसको असिस्टेंस भी देते हैं कि अगर उसको घर बनाना है तो उसको हम बहुत सारी चीजें असिस्टेंस दे देते हैं कि भैया आप ये भी देख लो, आप एस्टिमेट पहले बना लो कि खर्चा कितना होगा, आप नक्शा एक जो है ड्रॉ करा लो कि जो है घर बनाओगे कैसे। तो और तो हम कंस्ट्रक्शन का लोन देते हैं, किसी का पुराना घर है उसको रेनोवेट करा, उसको मतलब उसको नवीनीकरण करना हो तो वो भी हम उसको पैसा दे देते हैं। किसी का एक माला बना है, ग्राउंड फ्लोर मतलब जो है भूतल बना है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाना है, तो वो भी हम देते हैं उसको। दो कमरे मतलब ऊपर भी बनाने हो तो वो भी देते हैं हम लोग, और हर तरह के बिजनेसमैन को देते हैं हम जो है, बस उसकी इनकम होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे जरिए हैं और ऐसी फॉर्मूले हैं जिससे, और वो ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत हम जो है कई हर ऑलमोस्ट 90% लोगों को हम लोन देने के लिए समक्ष हैं। तो और वो जो है हम प्लॉट लोन भी करते हैं, हम प्लॉट परचेज प्लस मतलब प्लॉट मतलब जो ऐसा उसका जो है लैंड यूज जो है वो मतलब वो खेती की जमीन ना हो, अभी उसके सामने से उसमें खेती ना हो रही हो, वो अगर किसी गांव में है या टाउन में है तो वो ऐसी जगह पे हो जिसके आसपास घर बने हुए हो, तो वो प्लॉट कर लेते हैं और उसको उसके ऊपर बनाने के लिए भी दे देते हैं, घर खरीदने के लिए दे देते हैं, फ्लैट वो जो आपने कई माले की बिल्डिंग देखी होगी उसमें फ्लैट जो होते हैं फ्लैट भी हम उसको परचेज कर मतलब करने के लिए दे देते हैं। अगर किसी का लोन चल रहा है कहीं किसी बैंक से, हम उसको भी लेके और उसको कुछ ही अपनी पर्सनल काम के लिए, लड़की की शादी हो, एजुकेशन हो या किसी चीज का भी, तो वो भी हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे ये सब हम काम करते हैं, और बहुत अच्छे मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो हम जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग जो है लोन करते हैं वो रेट थोड़ा सा हायर होता है, मगर हम उनको उनको पता होता है कि जहाँ पर बिल्कुल कहीं पर नहीं मिलना लोन, उसको भी हम लोन कर देते हैं। आई थिंक थैंक यू सारिक। तो मैं वैसे आप लोग को ना एक छोटा सा हमारा 3-4 पेज का एक बोलना चाहिए प्रेजेंटेशन बोल लो या आप कुछ भी बोल लो, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी, और ये भी बताऊंगा कि हम क्या क्या करते हैं, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह के होते हैं, हम किस तरह की, अभी ये CSC से हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हुए आई थिंक, मुझे लगता है 7-8 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ होगा, हमने कुछ ऐसे केसेस जो हमारे सिस्टम में आए हैं उनमें कुछ ऐसे केसेस किए भी हैं मैं बोलूँगा जो है, या जो डिस्पर्स हो जाएंगे 1-2 दिन में, आपको मैं उनका एग्जाम्पल भी दूंगा तो आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह के प्रोफाइल, किस तरह के कस्टमर, किस तरह की प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ हम लोन कर सकते हैं। तो मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं उस वो एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगा कि हमने जो अभी रिसेंटली एकदम मैं बोलूंगा कि बहुत फास्ट पेस पे काम किया हमने, वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट हमको आई थिंक लास्ट वीक में फ्राइडे या थर्सडे को पता चला था, आज हम ट्यूसडे पे हैं, अगर आप सैटरडे संडे हटा दो तो 3 दिन ही हुए, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन में वो केस आज अप्रूव हो गया है, आई थिंक कल या परसों वो केस डिस्बर्स हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन और लगेगा, और वो बहुत टिपिकल कस्टमर है, मतलब आप उस कस्टमर को मुझे नहीं लगता कोई बैंक में कभी कोई लोन देगा, मतलब आप जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, वैसा उस टाइप का कस्टमर है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको, जस्ट पहले मैं अपना आइडिया ब्रीफ बता देता हूँ कि हम करते क्या क्या हैं, एंड उसके बाद फिर वो 2 मिनट में आपको वो भी बताऊंगा कि वो जो कस्टमर को हमने लोन किया है वो क्या है, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही, शशांक का मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको?
हाँ स्क्रीन शो कर रही है शांत का सारिक थैंक यू। तो मैं हाँ पहले मैं आपको होम लोन के बारे में बताऊंगा। तो अभी हमने जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया है उसमें दो पार्ट है, एक हम दो प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, सही बताऊं दो प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट है जहां पे हम होम लोन करते हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि घर खरीदने के लिए, घर परचेज करने के लिए या फिर प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इस तरह के जो लोन्स होते हैं। और एक जो रिलेशनशिप हमने जो और प्रोडक्ट स्टार्ट किया है जिसको हम बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किए हैं। आप जब भी सीएससी के लोन बाजार या जो भी आपका जो पोर्टल का नाम है लोन बाजार आई थिंक है, उस पोर्टल पे जब आप जाओगे तो होम लोन में जब जाओगे तो आपको पिरामल दिखेगा और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जब जाओगे वहां पे भी आपको पिरामल दिखेगा। आपको ये डिसाइड करना है कि जो कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे घर खरीदना है, उसको आप होम लोन में लीड डालोगे, उसका लीड होम लोन में आना चाहिए। किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि यार मेरे पास प्रॉपर्टी है, मुझे उसके अगेंस्ट कुछ पैसा चाहिए। उसका पर्पज हो सकता है कि वो बिजनेस में यूज करने वाला है, उसका पर्पज हो सकता है कि लेट्स से उस घर के रिलेटेड ही कुछ और काम कराने वाला है, कुछ कुछ ऐसे पर्पज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग लोन होंगे उनको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डालेंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जहां पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, प्रॉपर्टी मेरी है, उसके अगेंस्ट मुझे लोन चाहिए, वो उसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। होम लोन इज सिंपल। होम लोन में क्या होता है, जहां पे लेट्स से मुझे किसी से प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे मुझे पता है कि ये घर किसी और का है, अभी मुझे खरीदना है, तो उसको मैं होम लोन बोलूंगा। या फिर मुझे पता है कि मेरे पास प्लॉट है, उसके ऊपर मुझे कंस्ट्रक्शन करवाना है, उसको मैं होम लोन में लूंगा। मुझे पता है कि ये प्लॉट मुझे खरीदना है और उस पर कुछ मकान बनाना है, तो उसको मैं होम लोन में लूंगा। तो मैं आगे चलता हूँ। सो इसमें अगर आप देखोगे मैंने ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। पहला ट्रांजेक्शन बोलता है लोन फॉर परचेज ऑफ रेडी प्रॉपर्टी। मतलब सिंपल है कि कोई घर रेडी है, मतलब आपके मान लो आपने कहीं घर देखा कि ये घर रेडी है, मुझे ये घर परचेज करना है, बना बनाया घर रेडी, उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वो होम लोन में आएगा। दूसरा है लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, रेरा रजिस्टर्ड। इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर डेवलपर वाली या बिल्डर वाली, स्मॉल बिल्डर जो प्रॉपर्टी होते हैं वो वाली प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ सर, मैं कह रहा था नेक्स्ट पेज हुआ नहीं है अभी, वो फ्रंट वाला ही पेज दिख रहा है, पीरामल फाइनेंस ब्लू कलर का, नेक्स्ट पेज पे नहीं। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं फिर से, हाँ एक मिनट मैं ना वो स्क्रीन पे जाता हूँ, आई थिंक शेयरिंग में कुछ हो सकता है इशू होगा। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, वो इशू शेयरिंग का ही हो सकता है, और तो कुछ होना नहीं चाहिए। अभी आप बताइएगा जब आपको दिखेगा तो। अभी दिख रहा है क्या शशांक जी? हाँ सर, शो कर रहा है ना। तो ये इसी, हाँ ये वही, हाँ इसी पेज की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रांजेक्शन हमने लिखे हैं, तो लोन फॉर परचेज ऑफ रेडी प्रॉपर्टी, मतलब मेरा घर किसी का रेडी है, मुझे उससे घर खरीदना है, किसी दूसरे बंदे से मुझे घर खरीदना है, उसको मैं होम लोन में लूंगा। मुझे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, जो दूसरा वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये ज्यादातर वो लोन होते हैं जहाँ पे कोई बिल्डर घर बना रहा है, मान लो ठीक है बिल्डर बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसमें कोई किसी को प्रॉपर्टी लेना है, तो वो होम लोन में आएगा। फिर तीसरा है लोन फॉर प्लॉट परचेज। अब प्लॉट परचेज में क्या होता है, केवल प्लॉट परचेज के लिए लोन नहीं करते यूजुअली हम, होता क्या है कि प्लॉट परचेज करो और कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो तो लोन मिलेगा आपको। जैसे मान लो आपने बोला कि मैंने एक प्लॉट देखा हुआ है, उस पर मुझे पहले मुझे प्लॉट खरीदना है, उसके लिए फंडिंग चाहिए, और फिर मैं उस पर घर बनाऊंगा, उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो वो आपका प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन वाला जो एक लोन होता है वो भी होम लोन में आएगा। फिर तीसरा क्या आपका हो गया, आपके पास प्लॉट ऑलरेडी है या आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें मान लो कुछ घर में रेनोवेशन कराना है, घर को अपग्रेड करना है, एक और लेट से फ्लोर बनाना है, ठीक है, या फिर आपका प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो उसको हम होम लोन में लेते हैं, तो वो एक तरीका है होम लोन जिसपे हम करते हैं। चौथा आपका आता है बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, मान लो आपका ऑलरेडी कहीं से होम लोन चल रहा है, किसी दूसरे बैंक से या दूसरे किसी जगह से चल रहा है, अब आपको क्या है कि वहां पे मान लो आपने 10 लाख का लोन ले रखा है, आज की डेट में ऐसा समझते हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग 8 लाख रुपए है, अब आपको जरूरत पड़ी कुछ और, आपको फंड चाहिए, हो सकता है आपको घर में ही कोई काम कराना, तो उसको बीटी प्लस टॉपअप बोलते हैं। तो अब क्या होगा, पहले हम वहां से बीटी करेंगे आपका, 8 लाख रुपए अपने उस पर लेके आएंगे, और उनको जो भी जहां से आपका लोन होगा उनको वो चेक दे देंगे 8 लाख का, तो वहां पे आपका लोन क्लोज हो जाएगा, और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एक टॉपअप अमाउंट और दे देंगे अगर चाहिए तो। जरूरी नहीं है कि टॉपअप लेना ही है,
केवल बीटीबी कर दें, अगर केवल आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है वो भी हो सकता है, बट ज्यादातर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, कस्टमर तभी बैलेंस ट्रांसफर करता है जब उसको कुछ एक्स्ट्रा फंड चाहिए होता है। तो हो सकता है कि आपको 8 लाख रुपए का बैलेंस ट्रांसफर करना है और हो सकता है 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो टॉपअप में ऐड करके मिल जाएगा, तो उसको भी हम होम लोन में लेते हैं। फिर तीसरा है टॉपअप टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो जो हमारे कस्टमर ऑलरेडी हैं, जो पिरामल के कस्टमर हैं, उनको भी टॉपअप ऑफर करते हैं होम लोन के लिए। तो ये 4-5 तरीके के जो लोन है वो सब हम होम लोन में करते हैं। मेरी स्क्रीन चेंज हुई है ना शशांक, एक बार जस्ट मुझे कंफर्म करना यार। हाँ, तो ये अब हम करते किसको किसको हैं वो जानना जरूरी है, मतलब हम क्या करते हैं वो तो हमने बता दिया, हम किसको लोन करते हैं वो जानना है। तो हम दोनों तरीके के जो कस्टमर होते हैं, एक तो कस्टमर किस तरह का हो, या तो सैलरीड कस्टमर हो सकता है जिसको सैलरी आती है, या फिर एक बिजनेसमैन हो सकता है जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी दो तरीके के होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वो जो एक्चुअली नॉन प्रोफेशनल्स जिसको, या बोल लो आप बिजनेस ओनर्स हैं, जैसे मान लो किराना की दुकान, ठीक है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एक और होते हैं जिसमें CA, डॉक्टर्स वो सब भी आते हैं। तो आप ऐसे समझो कि बिजनेसमैन हो चाहे सैलरी वाला बंदा हो, हम सभी को लोन करते हैं, सारे लोग कवर होते हैं। सैलरी में एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगा आप लोग के लिए, वो ये है कि हम सैलरी में उन लोगों को भी लोन करते हैं जिनको सैलरी बैंक में नहीं, मान लो किसी को बैंक में सैलरी नहीं मिल रही, कैश में मिल रही है, ठीक है, तो हम उनको भी लोन करते हैं कि सैलरी आपको कैश में मिलती है, बट हाँ उसके कुछ डॉक्यूमेंट हैं, हमारी कुछ मैकेनिज्म है, उसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि उसको उतनी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब हो सकता है कि कस्टमर ने बोला मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं कैश में, तो वो 20,000 रुपये उसको सही में मिलते हैं कि नहीं, उसके लिए हमारे कुछ खुद के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो हम करते हैं। बट हाँ ये है कि उस बंदे को भी हम लोन कर देंगे अगर हमको लगता है कि वो जेन्युइन है, उसकी सैलरी एक्चुअली में उतनी मिल रही है, तो उसको हम लोन करते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 तरीका जो कस्टमर है वो मैंने बता दिया। तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, बिजनेसमैन में तो सारे बिजनेसमैन कवर हो गए आपके। हो सकता है एक बुटीक वाला है, ठीक है, वो भी बिजनेसमैन है जो बुटीक चला रहा है, एक पान शॉप वाला है वो भी है, एक छोले भटूरे की दुकान है वो भी है, एक आपका हो सकता है कि किराना की दुकान है वो भी है मेरे लिए बिजनेसमैन, ठीक है। और आपके बिजनेसमैन में जैसे ऑटो वाला है, तो ऑटो वाला बिजनेसमैन है मेरे लिए क्योंकि वो खुद ऑटो चलाता है, तो सैलरी तो उसको बोल नहीं सकता मैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही है वो, मेरे लिए खुद का ऑटो चलाता है, कुछ पैसे कमाता है, तो उसको भी हम लोन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम अच्छे ऐसा, और मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल इन्हीं को लोन करते हैं, हम अच्छे कस्टमर को भी लोन, हमारे पास वो कस्टमर भी आज की डेट में हमने लोन किया हुआ है जो एकदम, जिनको बोलना चाहिए कि जो सुपर प्रोफेशनल, जैसे मान लो CA हो गया, या कोई डॉक्टर हो गया, या सैलरीड में लेट्स से किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छे पोस्ट पे है, उनको भी लोन करते हैं। लोन हम सबको करते हैं, बट हमारी जो विशेषता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उनको लोन कर देते हैं जिनको यूजुअली आपके बैंक या फिर आपके दूसरे इंस्टीट्यूट लोन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा जस्ट बहुत ब्रीफ आइडिया दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल आप ऐसे समझ लिए कि हम किनको लोन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड बता दिया। अब सैलरीड मान लो कोई आपके पास सैलरीड पर्सन आया, तो उसको आपको क्या देखना चाहिए, मतलब कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे एज में कुछ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एज में क्या, हम अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। 21 साल अगर मिनिमम एज है तो उसको हम लोन कर देंगे, उसके नीचे लोन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ये हमारे पॉलिसी के बाहर हो जाएगा फिर। तो आप ये देखिए कि हाँ उसकी इतनी एज है कि नहीं, 21 साल का है कि नहीं। मैक्सिमम एज 70 साल तक करते हैं हम लोग, तो 70 साल तक अगर उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और अगर 70 साल तक का एज वहाँ पे है तो हम उसको लोन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। जो दूसरे एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय जिनको मैं बोलूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको हम 62 ईयर्स तक ही लोन करते हैं, या फिर उनकी रिटायरमेंट एज, जो भी कंपनी ने अगर कोई रिटायरमेंट एज दी हुई है, जैसे कुछ कुछ कंपनी में आप देखोगे रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स ही है, तो वहाँ पे फिर वो रिटायरमेंट एज तक ही लोन कर पाएंगे। तो हो सकता है किसी कस्टमर का एज लेट से 40 साल है, अब वो बोल रहा है मुझे कि मुझे 20 साल का लोन चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि उनका रिटायरमेंट एज 60 है या 58 है, क्या है। अगर 60 है तो 20 साल का लोन हो जाएगा, अगर 58 है तो 18 साल का ही लोन हो पाएगा। तो ये जस्ट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बता रहा हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी मिनिमम एज 23 होनी चाहिए,
23 साल की एज होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 70 साल तक हम लोन करते हैं। अब हम लोन करते कितने टाइम के लिए वो मैं बता देता हूँ। तो हम लोन मैक्सिमम जो करते हैं वो 25 साल के लिए करते हैं। तो अगर मान लो आप किसी कस्टमर की एज आज की डेट में 30 ईयर्स है, तो हम उसको 25 साल का लोन दे सकते हैं। अब वो कस्टमर पे डिपेंड करता है उसको चाहिए कितने साल का, बट हमारे पास वो पॉलिसी है, हमारे पास वो फैसिलिटी है कि हम उसको 25 साल का लोन दे सकते हैं। अभी कितनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, तो सैलरीड कस्टमर में मिनिमम इनकम जो हम बोलते हैं वो 12,000 कम से कम होनी चाहिए। 12,000 की अगर नीचे इनकम है तो उसको हम नहीं कर पाएंगे, 12,000 के ऊपर कुछ भी इनकम है तो उसको हम लोन कर सकते हैं अब हमारी पॉलिसी के हिसाब से। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में कितनी इनकम होनी चाहिए, तो कम से कम 1,20,000 की इनकम होनी चाहिए उसकी साल की। 1,20,000 के हिसाब से अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाओगे तो 10,000 उसकी मंथली इनकम आ रही है। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वही जो बिजनेस ओनर्स हो गए आपके, तो ये आपकी मिनिमम इनकम के नॉर्म्स हैं। मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए कस्टमर के पास, आपको कलेक्ट नहीं करने हैं। कलेक्ट तो हमारा जो रिलेशनशिप ऑफिसर है या जो हमारा सेल्स का जो टीम है वो कलेक्ट करेगा, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कस्टमर के पास वो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आपने लीड डाल दिया, ठीक है, हमने फॉलोअप स्टार्ट कर दिया, फिर हमको पता चला कस्टमर के पास तो बेसिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो फिर वो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, मतलब उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसका जो जहाँ पे वो रहता है उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर कोई और को लोन पे लेना है, किसी और को लोन पे लेना है, जैसे हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हस्बैंड और वाइफ मिलके लोन ले रहे हैं, तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो रिलेशनशिप प्रूफ है वो होना चाहिए, मतलब कि ये दोनों मैरिड हैं। इसके पीछे हो सकता है मैरिज सर्टिफिकेट होगा या कुछ और डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो वो होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस का प्रूफ कुछ होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे यूजुअली कैसे प्रूफ होते हैं बिजनेस के, आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस प्रूफ में आती हैं, तो वो कुछ होना चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट, तो उसके बेसिस पे आप लोन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट है जो आप कस्टमर जब आ रहा है तो उससे एटलीस्ट पूछ लो। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उससे पूछो, सर आपके पास बिजनेस प्रूफ है कुछ, नहीं है तो मतलब किस तरह का आप बिजनेस करते हो। कुछ कस्टमर्स का हो सकता है, जैसे मैं अभी आपको जो मैं बोल रहा था ना, जो एक टिपिकल एग्जांपल मैं दूंगा, वो एक ऐसा कस्टमर है जिसके पास एक्चुअली कोई बिजनेस प्रूफ नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको उस पर जब जाऊंगा तो बताऊंगा, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर हो, अगर है उसके पास बिजनेस प्रूफ तो बहुत अच्छा है, मतलब ये मिनिमम डॉक्यूमेंट होंगे तो काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये क्योंकि काफी लोगों का सवाल रहता है कि हमने लोन के लिए बोल दिया, कस्टमर बात करके चला गया, कस्टमर की फाइल हमने लगा दी, उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए, बट उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो देखो, इसका ना कोई बहुत सीधा आंसर मैं अभी इसलिए नहीं दे सकता, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर का सिविल कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पास्ट हिस्ट्री, मतलब उसने कभी लोन लिए थे, वो सही टाइम पे पेमेंट किए नहीं किए, इस पर डिपेंड करता है कि उसका प्रोफाइल क्या है, मतलब वो बैंक में सैलरीड है या कैश में सैलरी मिलती है, या फिर उसका आईटीआर भरता है या नहीं भरता है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके अलावा इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। हो सकता है प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ए क्लास प्रॉपर्टी है, हो सकता है प्रॉपर्टी थोड़ी कम अच्छी है, तो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक रेंज बता के चल रहा हूँ कि कस्टमर का रेट जो वेरी करेगा वो मिनिमम हो सकता है 9.75, ठीक है, और मैक्सिमम जो जाएगा वो 13.35 तक जाएगा। तो 13.35 तक और इसके बीच में जो आपका जो भी होगा वो कोई कहीं ना कहीं कस्टमर फिट होगा। आपको फिर भी अगर एक अंदाजा लेना है तो मैं एक और अंदाजा आपको बताता हूँ समझने के लिए। अगर किसी का लोन अमाउंट 25 लाख से नीचे है तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि उसका रेट जो रहेगा वो कुछ 11.5 के ऊपर रहेगा, और 25 लाख से ज्यादा लोन है किसी का तो उसके चांसेस हैं कि वो रेट 11.5 के नीचे रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ये जस्ट एक मोटा मोटा मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ, जिससे कि आप कस्टमर के साथ जब हो तो आप भी उसको वो इतना इन्फॉर्मेशन दे सको। उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारा एम्प्लॉय देगा ही, जब वो लॉग इन करेगा फाइल को, जब वो सिस्टम में फाइल डालेगा तो एग्जैक्ट डिटेल देगा वो कि कितना रेट हो सकता है, कितना फी लगेगा। अब दूसरा आता है कि प्रोसेसिंग फी कितनी लगेगी, तो प्रोसेसिंग फी जो हम लेते हैं वो है 75 पैसे से लेके 1.5 रुपए तक। 75 पैसे से 1.5 रुपए तक जो प्रोसेसिंग फी है वो भी सेम चीज है कि वो काफी चीजों पर डिपेंड करती है कि कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो सब चीजों पर। तो मैं इसलिए रेंज बता के चल रहा हूँ,
मैक्सिमम 1.5% तक हो सकता है। मान लो किसी का ऐसे समझते हैं कि कोई 50 लाख का लोन अप्लाई किया है किसी ने, तो 50 लाख का अगर वो 1.5% मैं पकड़ूं, ठीक है, तो उतना उसको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा टोटल। और लॉगिन के टाइम होता क्या है, प्रोसेसिंग फी हमेशा दो पार्ट में कलेक्ट की जाती है। एक बार प्रोसेसिंग फी का जो छोटा अमाउंट होता है वो लेते हैं हम जब फाइल लॉगिन करते हैं। मान लो आपने कोई कस्टमर से लीड दिया, उसके हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और हमने जब वो फाइल सिस्टम में लॉगिन करना है, ठीक है, सिस्टम में लॉगिन करना है, तो एक मिनिमम फीस हम कलेक्ट करते हैं, वो मिनिमम फीस को हम लॉगिन फीस बोलते हैं। और ये उसी का ही पार्ट है। तो मान लो आपका ऐसे समझते हैं 10 लाख का लोन है और मान लो किसी कस्टमर को निकल के आता है कि 1% फीस देना है, तो 10 लाख का 1% के हिसाब से 10,000 रुपये उसकी फीस होगी। अब 10,000 में से हम 1500 रुपये उससे इनिशियल ले लेंगे जब फाइल डालेंगे, बाकी की बची हुई फीस हम तब लेंगे जब उनको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा, जब अगर वो केस अप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं अप्रूव होगा तो उस केस में वो बाकी की बची हुई फीस नहीं लगेगी। तो फीस केवल 1500 रुपये केवल प्रोसेसिंग की फीस है। और ये 1500 रुपये है कि 2000 रुपये है कि क्या है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि मुझे कितनी फीस देनी है, क्यों देनी है। तो इसका देखो मैं एक सिंपल आपको लॉजिक बताता हूँ। हम किसी कस्टमर को अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं, उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं। हमको उसकी वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं, उसका सिविल निकालना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का जो बेसिक मिनिमम खर्चा होता है उसको पूरा करने के लिए एक्चुअली ये फीस ली जाती है, और इसका और कोई पर्पज़ नहीं है। 1500 रुपये का बेसिक पर्पज वही होता है कि कस्टमर का जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसका वो खर्चा एटलीस्ट पूरा हो जाए, दैट्स ऑल। उसके अलावा जो बची हुई बड़ा पोर्शन है जो फीस का, वो हम तभी लेते हैं जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो जाएगा मतलब आपको एक लेटर मिलेगा जिसको हम सैंक्शन लेटर बोलते हैं, उस पर आपका लोन अमाउंट लिखा होगा, उस पर आपकी टोटल फीस लिखी होगी, उस पर आपका टोटल उस पर इंटरेस्ट रेट लिखा होगा, सब लिखा होगा। वो लेटर जब आपको मिल जाएगा और जब आपसे फाइनल डिस्बर्समेंट मतलब चेक मिलने से पहले एक किट साइन होती है, वो जब किट साइन कराने के लिए जब लड़का आएगा हमारा या जो भी इम्प्लॉय आएगा, उस टाइम पे वो बोलेगा कि सर इतनी फीस और पे कर पेमेंट करनी है। तो ये हो गया आपका फीस का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब मैं आता हूँ एक हम अलग हमारे पास प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं बजट हाउसिंग या सामर्थ्य लोन्स, ठीक है। ये हमारा खुद का एक प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है वो बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इसमें हम उन लोगों को जो मैं आपको बता रहा था शुरू में कि कैश सैलरी में अगर सैलरी किसी को कैश में मिलती है, किसी के कच्चे का इनकम है, कच्चे का इनकम मतलब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो तो बस क्या करता है रजिस्टर में मेंटेन करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, अब मैं वो एग्जांपल देता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। तो एक लोन हमने अभी प्रोसेस किया है, सीएससी का ही लोन है, गाजियाबाद लोकेशन का है, ठीक है। जो वो नहीं होता ठेला जिसको हम यूपी में ठेला या जो भी बोलते हैं, वो लगाता है गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे, उसको हमने लोन प्रोसेस किया है। उनका लोन अमाउंट जहां तक मुझे याद है कुछ 12 लाख का लोन उनका प्रोसेस हो रहा है, वो कल या परसों उनको चेक मिल जाएगा। और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। बिजनेस प्रूफ इसमें क्या होगा, ठेले का बिजनेस प्रूफ आप कहां से लेके आओगे। उनके पास बस एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि उनके पास बिजली का कनेक्शन था। वो जो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक बिजली का कनेक्शन देता है ना, एक लाइट एक बल्ब लगाने के लिए आपके ठेले पे या जो भी है आपका छोटा मोटा जो भी है उसके लिए, तो उनका एक पर्ची था, ठीक है। और हमने फिर अपने हिसाब से समझ के देख के कि ये कितने सालों से काम कर रहे हैं, आसपास के लोग इनको जानते हैं कि नहीं जानते, काफ़ी चीज़ें हम अपने हिसाब से चेक करते हैं। तो हमने ये देखा कि वो जो कस्टमर है वो उनका काम बहुत अच्छा है। सही बताऊँ तो उनका काम एक्चुअली बहुत अच्छा है। उनको हम 12 लाख का लोन कर रहे हैं। अब इस कस्टमर को आप पूछो कि आप बैंक जाके लोन लेके आओ, वो पहली बात तो बैंक में यूजुअली बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो कस्टमर काफ़ी बार ट्राई कर चुका है। उन्होंने हमको बताया, कस्टमर मेरे टच में है, मैंने उनसे कई बार बात भी की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप तो बैंक में कोशिश कर सकते थे, बोलते सर मैं कई बार गया बट मुझे मना कर दिया कि हम तो आपको नहीं दे सकते, आप तो ठेला चलाते हो या ठेला पे काम करते हो, तो उस पे मैं लोन नहीं, हम लोग लोन नहीं कर सकते। तो ये एक टिपिकल कस्टमर है जो बजट हाउसिंग का कस्टमर है। अब बजट हाउसिंग सिंपल है, बजट हाउसिंग में मैं ऐसे प्रोफाइल कर रहा हूँ। अब एक चीज जो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं ऐसे प्रोफाइल कर रहा हूँ तो इतना तो हमारा भी वो है कि हम उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हायर चार्ज करेंगे। रीजन क्या है क्यों हायर चार्ज करेंगे, अगर आपको जो समझना है, सिंपल पॉइंट है, मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं उसको मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे तो प्रॉफिट लूंगा, तो उतना मैं रेट यहाँ पे प्रीमियम चार्ज करता हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे रेट लगेगा
वो 13.35 से लेके 15%, तो आप ऐसे समझ लो 13.5 से 15% के रेट है, जिसमें प्रोसेसिंग फी होगी आपकी 1.5 से 2%, जिसमें वही 1500 की लॉगिन फीस होगी, बाकी फीस आपकी डिस्पर्समेंट के टाइम पे देनी पड़ेगी। अब इसमें हम किस तरह के लोन करते हैं, मैं वही बता रहा चाह रहा था, जो घर में काम करने आते हैं, हाउस हेल्प, मेड, कुछ भी बोल लो आप, उनको काम लोन देते हैं, दिए हुए हैं। ऑटो रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर लोन देते हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, उनको लोन देते हैं, स्ट्रीट में वेंडर, स्ट्रीट वेंडर जो मैंने लिखा है उनका, तो उनकी उनको लोन दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, माली, इन सबको लोन दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके घर में लॉन्ड्री वॉन्ड्री के लिए आते हैं, धोबी वगैरह, उनको अगर कुछ सैलरी है तो उनको लोन दे रहे हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंडर मैं उन कस्टमर को एक्चुअली सर्व करता हूँ जिनको कोई सर्व नहीं कर रहा है, जिनको कोई लोन नहीं दे रहा है। तो ये मेरा एक बहुत विशेषता है, और मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो लोन कल हो जाएगा, वो लोन कल हम डिस्बर्स कर देंगे, ठीक है, कल उनको चेक मिल जाएगी। तो वो कस्टमर आप सोचो, मतलब वो हमको बोल रहे हैं कि सर मैं तो कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कहीं से लोन मिल नहीं रहा था, वो तो अच्छा रहा कि आपका टाइप है तो मुझे पता चल गया पिरामल के बारे में, तो मैंने अप्लाई किया, और केवल 5 दिन लगे हैं लोन को, ये भी नहीं कि कोई बहुत लेंथी प्रोसेस हो, हम 1 महीना लगा रहे हैं। कस्टमर का डिटेल मैं कभी कोई अगली मीटिंग होगी तो कस्टमर का डिटेल भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा उनका डिटेल के वो कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, फोटोज लेके आऊँगा कुछ उनके, कि वो किस तरह का ठेला लगाते हैं और कितना लोन उनको चाहिए था, कितना हमने लोन उनको दिया, कितना टाइम लगा। तो टाइम के मामले में तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि ये लीड हमारे पास गुरुवार को आई थी, लास्ट गुरुवार को, आज मंगलवार पे हूँ, तो अगर आप रविवार हटा दो, ठीक है, शनिवार भी लेट से पकड़ लेते हैं कि वर्किंग है, तो 4 दिन हुए, तो 4 से 5 दिन, मान लो 6 दिन भी लगते हैं किसी भी होम लोन में, अगर आप 7-8 दिन में लोन मिल रहा है ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि होम लोन में ज़्यादातर ना टाइम लगता है। कारण क्या है, क्यों टाइम लगता है, टाइम लगने का सिंपल कारण ये है कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, प्रॉपर्टी का चेन निकालते हैं कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, लीगल टेक्निकल जो होती है, जिसको हम लीगल टेक्निकल बोलते हैं, ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, टेक्निकल चेक होता है कि प्रॉपर्टी सही बनी हुई है कि नहीं, सही लोकेशन पे है कि नहीं, वो सब चीज़ें चेक होती हैं, तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा। और इस चीज़ को लेके मेरा बस इतना ही बोलना है कि जितने भी आप लोग जो भी वीएलई कॉल पे हैं, आप एटलीस्ट हम पोर्टल पे जाएं, पिरामल का देखें, होम लोन में भी मिलेगा और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी मिलेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया, मान लो किसी को बिजनेस लोन चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बिजनेस लोन कर देंगे हम लोग, तो उस तरह के कस्टमर भी। अच्छा, बिजनेस लोन का रेट क्या रहेगा, बिजनेस लोन के प्रोसेसिंग क्या, प्रोसेसिंग सबकी सेम रहेगी, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, ठीक है। तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैं उनका खुद का जब ये जब लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जब मैं डिटेल कवर करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, बट अगर आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए बता देता हूं, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेंज है हमारा 11.5 से लेके 15%, जिसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। वहां पे भी हमारे पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिसको हम सारथी बोलते हैं। सारथी प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कस्टमर की नियत। अगर कस्टमर की नियत सही है, अगर वो लोन पेमेंट करना चाहता है, रीपेमेंट करने का ट्रैक उसका कभी पुराना ठीक रहा है, तो उसमें तो हमने यहाँ तक किया हुआ है कि हम लीगल की चेन भी चेक नहीं करते। लीगल की चेन क्या होती है, ज़्यादातर आप देखोगे किसी कंपनी में आप जाओगे होम लोन के लिए या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, तो 13 साल की लीगल चेन चेक की जाती है कि ये प्रॉपर्टी इस कस्टमर के नाम से एटलीस्ट 13 साल में प्रॉपर लिंक है कि नहीं, कि मैंने किससे खरीदी, उसने किससे खरीदी, ये 13 साल की लिंक प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। तो जो सारथी जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ उसमें हम वो भी चेक नहीं करते, उसमें हम केवल क्या बोलते हैं कि आपके नाम पे कोई एटलीस्ट एक रजिस्ट्री होनी चाहिए, बस एक रजिस्ट्री है तो हम सारथी में आपको लोन कर देंगे। तो वो रिस्क अगर मैं ले रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम मैं चार्ज करता हूँ, तो वहाँ पे भी जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ऐसे कस्टमर को जहाँ पे लेट से लीगल से रिलेटेड कोई इशू है, तो अब मैं उन तरीके के कस्टमर को मैं 13.5-14% पर लोन करूँगा, उस तरह का रेट है। लेकिन क्या इन कस्टमर को कोई और लोन करेगा, मेन तो वो पॉइंट है, कोई और करेगा ही नहीं, तो उनको लोन देना, उनको लोन मिलना ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं वो जो बता रहा था ना आपको छोले भटूरे, उन्होंने एक लोन ले रखा है, ठीक है, कहीं से तो ले रखा है, मुझे पता नहीं, उन्होंने वो लोन शायद 20% पे ले रखा है। अब आप समझो 20% पे वो लोन ले रखा है, 1.5 लाख का लोन था, हालांकि सही चल रहा है, उन्होंने सही टाइम पे भरा है,
अब उनको हम जो लोन देंगे वो शायद 12-12.5-13% होगा, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, उसको क्या बुरा है? उसको तो बोल रहा है मेरे को लोन भी मिल गया, मेरा काम भी हो गया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया, और 7% कम हो गया, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो वो सब चीजें शायद हमको समझने की जरूरत है यहाँ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, हम क्या करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज कि बीएलई को मिलेगा क्या। ये क्वेश्चन कई बार आया कि जो हम लीड देंगे आपको उस पर हमको क्या मिलेगा। तो वीएलई जो है, अगर आपका लोन चेक बन जाता है कस्टमर का, अगर लोन डिस्बर्स हो जाता है फाइनल, ठीक है, कस्टमर को अगर हमने पैसा दे दिया है, तो आपको जो भी हमने कस्टमर को पैसा दिया है उसका 40 पैसा आपका कमीशन है जो आपको मिलेगा। वो कमीशन आपको सीएससी के थ्रू ही आएगा, उसमें पिरामल के थ्रू आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या होगा, हम सीएससी को देंगे, क्योंकि हमारा टाइप जो है डायरेक्टली सीएससी के साथ, तो हम सीएससी को भेज देंगे कि इतना पैसा बनता है, इतने लोन हुए थे इतना पैसा, उसके बाद सीएससी से आपके अकाउंट में, जैसे दूसरे कंपनीज के भी आते होंगे तो वैसे ही आपके अकाउंट में ये पैसा आएगा। तो 40 पैसा ऑफ लोन अमाउंट, मान लो ऐसे समझते हैं, किसी ने अगर 50 लाख का लोन किया तो 50 लाख का 40 पैसा यानी 20,000 रुपए उसको कमीशन में आएगा। तो ये था मेरे तरफ से। अब आपके कुछ क्वेरीज हैं शशांक, तो मैंने तो मेरा तो हो गया शशांक, इसके अलावा कुछ और है तो वो कवर कर सकते हैं। हाँ, तो सभी वीएलई भाई जो जुड़े हुए हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे जो कुछ कमेंट्स आए थे तो आपने सर अभिषेक सर क्लियर कर दिए काफी, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, किन किन श्रेणियों में हम ग्राहकों को लोन कर सकते हैं, तो आपने काफी अच्छे तरीके से डिटेल्स में ये चीजें बताई। तो हम एक पान वाली दुकान या ऑटो रिक्शा या होम मेड या कोई छोले भटूरे की दुकान से लेकर जो एक अच्छे तबके का इंसान, अच्छे तबके क्या बोले, एक अच्छी कैटेगरीज के जो लोग प्रोफाइल के लोग होते हैं, तो उन तक का पीरामल में हाउसिंग लोन फाइनेंस होता है। तो आप इस असमंजस में ना रहे कोई भी वेली भाई, कि जैसे बैंक में ये चीजें होती हैं कि जो बड़ी बड़ी बैंक हैं उसमें रेडी या उनसे छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर ये लोन नहीं हो पाता हाउस लोन, लेकिन पीरामल हमसे आज ही हाल ही में 1 हफ्ते पहले शामिल हुआ है। तो हमारा जो बेस है वीएलईज का वो बेसिकली रूरल नेटवर्क का है काफी बड़ा। तो अगर आप जो भी वीएलई भाई सुन रहे हो और इस चीज को समझे हो, तो अपनी तरफ से इसमें आप लीड डाल सकते हैं। और एक चीज आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लीड डाल, मतलब कोई चीज पूछताछ करने से पहले एक बार भले लीड डाल देंगे तो अच्छी बात है, आपके लीड के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आपको बस बेसिक डिटेल, उसका नाम पता, उसका मोबाइल नंबर, उसकी मेल आईडी, या मेल आईडी भी ऑप्शनल है, ये बेसिक डिटेल भरनी है। उसके बाद पीरामल या सीएससी अपने एंड से कॉल करेगा, जो भी आपको या आपके कस्टमर कुछ पूछना हो वो आपको कॉल बैक कर दी जाएगी, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप लीड डालने से पहले ये कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी पहले मुहैया हो जाए, तो ये वीडियो आप देख सकते हो जिसमें आपका मोटा मोटा सारी चीजें कवर की गई है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो शशांक मेरा नाम है, आप काफी लोग मेरे को जानते होंगे, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास कोई पोटेंशियल कस्टमर है जिसकी आप सोच रहे हो कि आप उसे, अगर आप प्रोफाइलिंग पहले जरूर करिएगा कि इस कस्टमर को लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। जरूरी नहीं कि हर इंसान को ये लोन दिया जा सका, बेसिक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि लैंड उसका है या नहीं, साल की आय कितनी है, भले वो ITR भरता ना हो या भरता हो, कितना कमाता है, सैलरी में कितना आता है, कैश होगा तो भी चलेगा, अगर अकाउंट में आ रही है तो भी चलेगा, बस ये कि मिनिमम उसकी 12,000 तक की सैलरी होनी चाहिए, या अगर वो बिजनेस करता है तो साल का कम से कम 1,20,000 का तो उसका बिजनेस आना चाहिए मिनिमम। ये सब स्टेटमेंट से चेक होगा और आप खुद भी जज कर सकते हो, प्रोफाइलिंग कर सकते हो कि इसको लोन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता। तो उस बेसिस पे आप उसकी लीड डाल दो, सामने से बैंक से हो, फाइनेंस कंपनी से, पीरामल से या हमसे कॉल आएगी, कस्टमर को पूरा निश्चिंत तरीके से उसे सारी चीजें बताई जाएंगी और फिर उसका लोन प्रोसेस कर दिया जाएगा करके। तो शारिक सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई कंक्लूडिंग वर्ड्स देना चाहते हैं तो आप प्लीज दें, उसके बाद हमें।
हाँ मैं यही कहूंगा, मैंने कई बार भी बोला है, एक सिंपलर कानपुर में एक VLE की मीटिंग ली थी मैंने, तो मैंने वहां पर भी बोला था, ये भी बोलूंगा कि हम लोन वहां देंगे जहां तक कार जाएगी, मतलब मोटा मोटा जहां तक कार जाएगी, कार जाने का रास्ता होगा वहां तक हम होम लोन देंगे। दूसरा ये है कि हैसियत कैसे नापेंगे, तो जिसको आपको लगे कि अगर मेरे पास जेब में पैसा होता तो मैं इसको दे देता, तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका अंत, मतलब ऐसे देख के कोई भी लीड डाल देना वो भी ठीक है, हम लोग उसको फिल्टर कर देंगे, मगर वो आपके लिए भी और हम लोगों के लिए भी टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा। मगर अगर आपको मोटे तौर पे, सिंपलर तौर पे देसी भाषा में बोले, जिसको आपको लगे कि आप अपनी जेब से पैसा दे देंगे उसको हम पैसा दे देंगे, और जो है और कौन सी प्रॉपर्टी, और कौन सी करेंगे प्रॉपर्टी, वो करेंगे जहां पर आप अपनी वो कृषि भूमि को छोड़ के और कोई सी भी प्रॉपर्टी जहां पर आप चाहोगे कि जो है अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसको खरीद लेता, तो वो वाली प्रॉपर्टी कर देंगे हम। दूसरी चीज ये है कि ज्योग्राफी लिमिट, हमारी ज्योग्राफी लिमिट के लिमिटेशंस है, कोई भी हमारी नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट भी बड़ा लंबा है, अब जैसे हम लोग लखनऊ से चलते हैं तो लखनऊ में वी आर हैविंग, मतलब रायबरेली में हमारे पास ब्रांच है, सुल्तानपुर में हमारे पास है, जौनपुर में हमारे पास है, बनारस पहुंच गए, हमारे पास इलाहाबाद में है, हमारे पास जो बहुत सारी ब्रांचेस है, तो हमारा 70 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने यूपी कवर कर रखा है। कुछ कुछ जगह पे हम लोगों का वो जो कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं ना कार चलाते हुए, वो कुछ कुछ जगह पे है, वो भी हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही हम और ब्रांचेस, एक आधी ब्रांच और डाल के तो उसको भी फुलफिल कर लेंगे। तो जो भी आप कभी भी लीड डालते हैं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो फोन करेगा, वो आइडिया लगा लेगा और बता देगा आपको कि जो है, या शशांक जी को या कोई रिपोर्ट में, कि जो है ये केस में हमारी ज्योग्राफिक लिमिट के अंदर है या नहीं, तो मोटा मोटा, और ऊपर से आपके तो फॉर्म में ऑलरेडी लिख के आता है कि ये एरिया कौन सा है, तो ज्यादातर मोटे मोटे सारे बड़े शहर, सारे बड़े टाउन हमने कवर कर रखे हैं, तो ऑलमोस्ट हमने यूपी का 80% भूभाग जो है हम फंडिंग करते हैं वहां पर। तो बस यही कहता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो भी आप सीख सकते हैं, मगर अगर कम दिमाग लगा के भी अर्निंग हो सकती है, और धीरे धीरे जब आप केसेस आपके होते चले जाएंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा समझना चाहेंगे और उसके बाद लीड्स देना स्टार्ट करेंगे तो मे बी पॉसिबल वो लीड्स भी खत्म हो जाए, क्योंकि अगर मुझे आज लोन लेना है तो मैं ज्यादा ज्यादा 7-8 दिन के अंदर अंदर मैं डिसाइड कर लूंगा मुझे लेना कहाँ से, तो लीड कम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि पानी के बाहर अगर आप बैठ के सोचे कि तैर जाएंगे तो तैर नहीं पाएंगे। आपको जो भी लीड्स है वो हमें प्रोवाइड करें, मोटा मोटा मैंने आपको खाका कर दिया, और सैलरीड आदमी का तो जैसे अगर उसकी 10,000 रुपए सैलरी है तो उसको सीधे आधा करें, 10 का आधा 5, और 5 लाख रुपए हम दे देंगे। 20,000 रुपए सैलरी है उसका, उसमें बस उसकी एज जो है 40 साल से नीचे होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है उसको पूरा टोन्योर दे सके। तो मोटा मोटा यही है, और बहुत ही आराम से आप ये जो है ये यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। और इसमें जो है एक वो होता है कि कभी कभी एक कोई एक काम होता है उसको धीरे धीरे ओवरलुक कर देता है दूसरा काम, जैसे हम यहाँ पर भी जो है मिले थे शशांक जी से और यहाँ स्टेट हेड साहब से, तो उन्होंने भी हमें बताया कि वो महिंद्रा में और जगह जो फाइनेंस का वाला काम करते हैं, कार बेच, मतलब और भी सारे काम करते हैं, तो हमारा काम भी ऐसा है कि रोटी कपड़ा और मकान, हम जो है नीड का देते हैं, दूध बेच रहे हैं हम लोग, तो सब जो है ऑलमोस्ट केसेस हम सारे करते ही हैं जो होम लोन के अंदर आ सकता है, सारा चीज करते हैं हम लोग। तो इसलिए डोंट वरी, रेफरेंस दीजिए और अर्न कीजिए मैक्सिमम। ऑल द बेस्ट।
बस मैं यही कहूंगा। धन्यवाद सर, और सभी वीएली भाइयों को और अभिषेक सर को, सारिक सर को मेरा धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें सुनी और बताई, और आज की मुलाकात को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।